नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपी ट्रेवल एससी 2019 एग्जाम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को लेकर हम बात करेंगे। ये आपका है भाग नंबर पहला और सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो लोअर पीसीएस और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड और प्लस एजुकेटर हूँ, तो यहाँ पर आप लोग मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं और अन अकेडमी के प्लस मॉडल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सभी क्लासेस आपके लाइव चलती हैं, टॉप के एजुकेटर आपको लगातार पढ़ा रहे हैं और आने वाले यूपीपीएससी व यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स की वहाँ पर तैयारी आपकी हो रही है। ये मेरा है रेफरल कोड, इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है पहला, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था। अब चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर आपको यहाँ पर ये बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1866। ठीक है, होता यहाँ पर क्या है कि देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी संयुक्त प्रांत में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुआ, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है अगला, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्व सामग्री प्रतिबिंबित करती है। अब चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर आपका है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए। देखो यहाँ पर क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यानी कि मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। इसकी खुदाई 1958 में यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा करवाई गई और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है और यह हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और प्रश्न में जो है आलमगीरपुर गाजियाबाद में दर्शाया गया है, जबकि हड़प्पा संस्कृति का जो यह स्थल है वो आपका मेरठ में है। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे बेगम समरू ने एक आदि प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर होना चाहिए था एक अति महत्वपूर्ण, यहाँ पर आपका अति रहेगा। ठीक है, अति महत्वपूर्ण, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरधना। कहाँ पर? सरधना में। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांबरी थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांबरे को बंगाल के नवाब नजब खान ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जाप्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका निभाने के कारण, ठीक है, सरधना की जागीर प्रदान की थी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर आपका सही सम्मिलित नहीं है। तो अभी चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रघुपत सहाय फिराक, ये आपका यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या रहेगा बिल्कुल सही चीज आंसर, यानी कि जोश, इनका संबंध मलिहाबाद, रघुपत सहाय फिराक ये आपका गोरखपुर, इनका जन्मभूमि है। ठीक है, इलाहाबाद इनके जीवन की कर्मभूमि थी और वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में उच्च शिक्षक थे और कानपुर से इनका कोई भी संबंध नहीं था। जिगर की बात करें तो ये आपका है मुरादाबाद और चकबस्त ये आपका है लखनऊ। आगे बात करेंगे यहाँ पर कौन सा आपका सुमिलित नहीं है। ठीक है, अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। इस क्वेश्चन का अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल भी सुमिलित नहीं है। ठीक है, अब इसका आंसर आपका ऑप्शन डी है। देखिए यहाँ पर क्या है कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर में 1897 में होता है और ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। काकोरी केस में 1927 में गोरखपुर में इन्हें जो है फांसी दी गई थी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बाकी आपको अमित खुसरो के बारे में पता है कि ये 1253 ईस्वी में पटियाली एटा में इनका जन्म होता है, कासगंज। ठीक है, वर्तमान में पटियाली नवगठित जनपद आपका कासगंज में स्थित है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बाकी मिर्जा गालिब आगरा और जो सबके मलिहाबाद से संबंधित थे।
आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? देखो, अगर हम इस क्वेश्चन का बात करेंगे तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन ए व डी दोनों, मीर और गालिब दोनों, इसका यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ए और डी दोनों रहेगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस प्रश्न के दो उत्तर सही है, मिर्जा गालिब एवं मीर ताकि दोनों का जन्म आगरा में हुआ था और अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज और फिराक का जन्म यहाँ पर गोरखपुर में हुआ, ठीक है? आगे बात करेंगे, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, उसका नाम क्या रखा गया? तो सिंपल सा चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर उसका नाम रखा गया। यहाँ पर क्या होता है कि अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है? यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश पुलिस और भारतीय क्रांतिकारियों की मुठभेड़ के लिए यह प्रसिद्ध है। इस पार्क में ब्रिटिश पुलिस व चंद्रशेखर आज़ाद के मध्य मुठभेड़ हुआ था, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल में मात्र एक गोली बची थी, तो ब्रिटिश पुलिस द्वारा जिंदा न पकड़े जाने के लिए उन्होंने कनपट्टी पर गोली दाग ली और शहीद हो गए। ओके, तो इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे और इसका नाम रखा गया है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। आगे बात करेंगे, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन भी काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है और इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में। कहाँ पर है आपका ये? लखनऊ में। यह क्वेश्चन काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भी आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए बनता है और इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाराणसी। बहुत ज़्यादा यह क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, यानी कि भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है और इसकी स्थापना 1920 में राय कृष्ण दास द्वारा किया गया और चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण आपका योगदान है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। इसका आंसर आपका रहेगा डी वाला, जो कि सुमेलित यहाँ पर नहीं, बाकी सारे यहाँ पर आपके क्या रहेंगे? सुमेलित रहेंगे, ठीक है? डी वाला आपका यहाँ पर कौशाम्बी जिले में। कहाँ पर आपका ये है? कौशाम्बी जिले में है। आगे बात करेंगे, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ पर है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए। इसका आंसर आपका है बिठूर। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिठूर। ओके, यानी कि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है और बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बात करेंगे, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपका है बी, यानी कि वाराणसी में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाराणसी में। देखो, तो यहाँ पर क्या होता है कि भारत माता मंदिर वाराणसी के काशी विद्यापीठ कैंपस में स्थित है और इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त तथा शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा 1936 में किया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और भारत माता की प्रतिमा मार्बल की बनी हुई और एक मॉडल के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसमें भारत के सागर मैदान तथा पर्वत का प्रतिनिधित्व समुचे भारत का प्रतीक है। भारत माता मंदिर देवी या देवता का परंपरागत मंदिर या प्रतिमा नहीं है, किंतु ये भारत माता का वास्तविक मानचित्र है, ठीक है? आगे बात करें, सारनाथ कहाँ पर है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। सारनाथ कहाँ पर है? तो सिंपल से आपका कहाँ पर, ये आपका है उत्तर प्रदेश। कहाँ पर आपका ये है? उत्तर प्रदेश में। ओके, देखो यहाँ पर क्या है कि सारनाथ ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था और इसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया, ठीक है? इसका एक नया बौद्ध साहित्य में ऋषिपत्तन भी मिलता है। काशी के प्रसिद्ध श्रेष्ठी नंदी ने यहाँ बुद्ध के लिए एक विहार बनवाया था, ठीक है? और मौर्य शासक अशोक ने इस स्थान की यात्रा कर यहाँ स्तूप तथा स्तंभ बनवाए और इनमें सिंह शीर्ष स्तंभ अत्यधिक आपका प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। इसका आंसर आपका है राधा स्वामी पंथ से। क्या रहेगा? आंसर नंबर डी। सूची फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर आपको करना है सुमेलित। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। देखो यहाँ पर आपका क्या है, फतेहपुर सिकरी यानी कि अकबर, जौनपुर सिटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिटी सिकंदर लोदी, जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश, ये सारे आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है? आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको करना है सुमेलित। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं आपका जो दिया गया है यहाँ पर सिंपल सा, कनक भवन अयोध्या बिल्कुल सही है,
कामतगिरी पर्वत चित्रकूट बिल्कुल सही है, कालिंजा दुर्ग बांदा ये भी सही है, और देवश्री बाराबंकी ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये पूरा आपका क्या है, सुमेलित है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। और यहाँ पर इसका आंसर आप पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांदा। कहाँ पर? बांदा। ठीक है, आगे यहाँ पर सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको करना है सुमेलित, और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर के लिए बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। देखिए 1892 कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष 1892 यहाँ पर इलाहाबाद में होता है, और अध्यक्ष इसके रहते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी, बिल्कुल सही है। 1905 वाराणसी अध्यक्ष रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही रहेगा। 1936 लखनऊ अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल आपका सही रहेगा। 1946 मेरठ अध्यक्ष जे बी कृपला ने, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर रहेगा सुमेलित। आगे आपका क्वेश्चन अगला है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारत और स्थान, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारत और स्थान, 84 गुम्बद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप और कामतगिरी पर्वत। देखिए यहाँ पर क्या है, क्या है कि 84 गुम्बद यानी कि जालौन, जामा मस्जिद, मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप, कुशीनगर और कामतगिरी पर्वत चित्रकूट। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके इस पूरे लेसन में। ठीक है, ये सारे काफ़ी आपके महत्वपूर्ण हैं। लगातार यहाँ पर मैं एक एक करके आपको पूरा यूपी का जीके कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप लगातार यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए। और आपको यहाँ पर यूपी जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, इसके अलावा आपका सामान्य हिंदी और सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, जितने भी आपके टॉपिक पेपर में आएंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस और जूनियर असिस्टेंट व अन्य यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, उन सभी को यहाँ पर एक एक करके मैं आपको लगातार कराता रहूँगा, जिससे कि आप पेपर में अच्छा कर पाएँ। तो ये आपका आज का पहला लेसन है, काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, तो लगातार आपसे आपको लगातार 2 से 3 वीडियो डेली मिलता रहेगा यूपी जेके पे, करंट अफेयर पे, और आपका मॉक टेस्ट जो है सामान्य हिंदी का, सामान्य ज्ञान का मॉक टेस्ट हो गया, और रीजनिंग के क्वेश्चन, ये सारे आपको लगातार यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो प्लेटफॉर्म पर लगातार बने रहिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन, जिससे आपको लगातार मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन काफ़ी पसंद आया होगा, और आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतनी ज़्यादा यहाँ पर लेसन अपलोड करता रहूँगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।